नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज के इस वीडियो में बात अग्निपथ योजना की, जिस पर समीक्षा की बातें चल रही हैं और आने वाले समय में इस योजना में कई तब्दीली करने किए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। 14 जून 2022 यानी कि उस तारीख को इस योजना को लागू किया गया, अग्निपथ या अग्निवीर योजना। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 तारीख को शपथ लेने वाले हैं तीसरे टर्म के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए। उनके शपथ लेने से पहले ही इस पर काफ़ी विचार विमर्श शुरू हो गया है, काफ़ी ज़्यादा खलबली मचने लगी है इस योजना को लेकर, क्योंकि जो बाकी के दल हैं, सहयोगी दल हैं, जो भाजपा के साथ जुड़कर आ रहे हैं सरकार बनाने में, वो ये मांग करने लगे हैं कि इस पूरे योजना की समीक्षा की जाए, इसमें तब्दीली लाने की मांग उठाई जा रही है। और सबसे पहले जो इस मुद्दे को लेकर उठा है केसी त्यागी ने, जदयू के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि इस योजना की समीक्षा की जाए, पुनर्विचार किया जाए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब इस योजना को लागू किया जा रहा था, तब ही कई दल जो है इसका जोर विरोध कर रहे थे। और केसी त्यागी के साथ साथ भाजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्होंने भी मांग की है कि इसमें बदलाव किए जाए। अग्निपथ योजना का जो मुद्दा है वो अब तूल पकड़ने लगा है। केसी त्यागी ने अपने बयान से खलबली मचा दी है। अब बाकी की पार्टियां भी इससे सहमत हैं, यहां तक कि आप पार्टी के संजय सिंह ने भी अपने बयान जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिसको भी भारत माता से प्यार है, जिसको भी भारतीय सेना के प्रति सम्मान है, वो अग्निवीर योजना का विरोध करेगा ही करेगा। आप मुझे बताइए, 17 साल की उम्र में हमारे घर का बेटा सेना का जवान बनेगा, 21 साल की उम्र में रिटायर होके घर बैठ जाएगा। प्रधानमंत्री जी को 74 साल की उम्र में तीसरी बार मौका चाहिए और अग्निवीर 21 साल में रिटायर हो जाएगा। ये किस प्रकार की योजना है जिससे हमारी सेना को आप कमजोर कर रहे हैं? वैसे तो इस योजना को लागू होने से पहले ही तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही थीं, लेकिन अब चूंकि भाजपा की सरकार सहयोगी दलों के साथ बनने वाली है और जिससे कि बाकी के जो दल हैं उनको मजबूती मिली है, इस बार के चुनाव के परिणाम जो हैं वो यही बताते हैं, तो इस बार भाजपा के लिए ये एक बड़ा कठिन समय है, क्योंकि तमाम पार्टियां मांग कर रही हैं इसमें बदलाव लाने की या फिर इसको पूरी तरह से स्क्रैप किए जाने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी जिस तरह से वापस आई है, उसमें काफ़ी मनोबल जो है उसका काफ़ी बढ़ा है इस पार्टी का, तो उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मांग की है कि इसको पूरी तरह से बदल दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, उसको मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़ें। पहले लाखों में नौकरी मिलती थी फौज की, इन्होंने हजारों में कर दी है, पुनः लाखों में भर्ती होनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके।